राज्य मंत्री बोले, विपक्ष भी बजट की सराहना कर रहा। बेडम ने कहा, पीएम मोदी ने विजन के अनुरूप काम करेंगे। गृह गोपाल व डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सोमवार को दौसा जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों की शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार प्रदेश की भाजपा सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जन भावनाओं के अनुरूप राज्य का बजट पेश किया, जिसमें प्रमुख प्रदेश की चौमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए किसानों, युवाओं, महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि खेलों और बढ़ावा देने के लिए बजट में पहली बार एक खेल एक जिला योजना लाई गई है। गांव में स्टेडियम बनाने पर काम किया जाएगा। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर ब्याज मुक्त ऋण देने, युवाओं को रोजगार के लिए नई भर्तियां, महिला सुरक्षा सम्मान, बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य कर समेत जनहित के अनेकों घोषणाएं की गई, जिनका प्रदेश की जनता के साथ विपक्ष के लोगों की भी सराहना कर रहे हैं।